हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीजी रेसिपी ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो जय माता दी। आज है नवरात्रि की लास्ट दिन, मतलब कि नवमी है आज। तो आज हमारे यहाँ कन्या खिलाया जाता है, तो हम कन्या खिलाने के लिए क्या क्या बनाते हैं, आज उसकी कन्या का भोग क्या होता है, आज मैं उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या बनाया है माता जी का भोग लगाने के लिए, और हमारे यहाँ नौ कन्याओं को हम लोग खिलाते हैं। तो आज नवमी के दिन हवन करने के बाद हमने कन्याओं के लिए भोजन बनाया था, तो उसकी रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मेरा गला थोड़ा सा फंस गया है, तो माफ़ करिएगा, आप लोग समझ जाइएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे खीर। तो खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 1 लीटर दूध। तो हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध को यहाँ पे अच्छे से बॉयल कर लेना है, और जब अच्छे से वो बॉयल हो जाए ना, मतलब जब तक बॉयल हो रहा है तब तक हम 15 से 20 मिनट के लिए ना क्या करेंगे कि चावल को भिगो देंगे खीर बनाने के लिए। तो हमने 1 लीटर दूध में 1 मुट्ठी चावल लिया है, मतलब कि आप छोटे वाले जो चम्मच होते हैं ना उसे 3 चम्मच ले लीजिएगा तो हो जाएगा 1 लीटर दूध का खीर। तो यहाँ पे हमने चावल को 20 मिनट के लिए भिगो दिया था, और भिगोने के बाद क्या होता है ना कि चावल जब 20 मिनट के लिए आप भिगोओगे ना तो वो अच्छे से भीग जाती है, तो उसको हाथों से अच्छे से मसल के उसको धोना है ना, तो और चावल क्या होते हैं कि टूट जाते हैं। तो जब भी आप खीर के लिए चावल धो ना तो एकदम पतली वाली चावल हो, और टूटी हुई जगह चावल हो ना तो बहुत ही अच्छी खीर बनती है। खीर के लिए अलग से ही मतलब कि चावल होता है, जो टूटा हुआ चावल होते हैं ना टुकड़े वाले, उसका खीर बहुत ही अच्छा बनता है। तो हमने यहाँ पे टूटा वाला चावल नहीं था मेरे पास, तो हमने यहाँ पे चावल को भिगो दिया था पानी में, और उसको अच्छे से आप हाथों से मसल करके जब डालोगे ना तो अच्छे से वो टूट जाते हैं, 2 से 3 टुकड़े चावल के हो जाएंगे। फिर उसका खीर आप बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी और फटाफट से बन जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमने कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए थे हमारे खीर बनाने में। तो हमने मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए दूध में चावल डाल करके अच्छे से इसे हमें पका लेना है। तो तब तक पकाना है जब तक कि हमारे चावल ना एकदम सॉफ्ट और कई टुकड़ों में ना हो जाए, मतलब एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए खीर में ना। जब चावल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स के लिए हमने यहाँ पे बादाम और किशमिश ले लिया था। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो ना आप इसमें डाल सकते हैं, और डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे इस तरह से चलाते हुए पकाना है फ्रेंड्स, एकदम गाढ़ा कर लेना है। तो हमने दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, और दूध में अगर आप पानी नहीं डालोगे ना और अच्छे से बनाओगे खीर तो बहुत ही टेस्टी, एकदम खोए जैसे इसकी मतलब कि स्वादिष्ट ये बन के रेडी हो जाएगी खीर। तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे। तो जब तक हमारे ये चल रहा है ना तब तक हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी इलायची को हम कूट करके पाउडर बना लेंगे। तो देख सकते हैं कि अब हमारी खीर मतलब कि अच्छे से पकने वाली है। तो इसको हम चलाते रहेंगे, वरना खीर दूध क्या होता है ना बहुत जल्दी बर्तन में लग जाते हैं, और अगर थोड़ी भी लग जाए ना तो खीर का पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि चीनी ले लिया है, तो आप चीनी अपने अकॉर्डिंग डालिए, जितना मीठा आप खाना चाहते हैं। अगर खीर को थोड़ा ज़्यादा मीठा डालना चाहते हैं तो चीनी की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच चीनी डाला है, आप अगर कम खाना चाहते हैं तो कम रख सकते हैं इसकी चीनी की क्वांटिटी। अब हम चीनी डाल करके ना इसे अच्छे से चला लेंगे। तो चीनी डालने के बाद हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, क्योंकि चीनी हम खीर में लास्ट में डालते हैं। तो हमारी खीर अच्छे से पक के रेडी हो गई है, देख सकते हैं कि बिल्कुल भी हमारे चावल नहीं दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि इधर ले लिए हैं इलायची, तो इलायची को कूट करके हमने अच्छे से पाउडर बना लिया था। तो अब हम इस पर डाल देंगे ताकि हमारी खीर में बहुत ही अच्छी से खीर का टेस्ट आ जाएगा इलायची का। तो अब इसे हम डाल करके अच्छे से चला लेंगे, और साथ में ही हम डालेंगे ना थोड़ा सा केसर। तो केसर हम दूध में जब आप बॉयल करो ना तभी डाल दो, हमारे पास मतलब कि मैं ढूंढ रही थी मिल नहीं रहा था, और मुझे जल्दबाजी था फटाफट से बनाना था तो इसलिए हमने बाद में डाला है। तो मैं दिखा देती हूँ, जब हमारी खीर बन चुकी थी ना तब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मतलब कि केसर के धागे। तो अभी हमारा दूध गर्म है, अच्छे से ये कलर आ जाएगा, तो अब हम इसमें डाल देंगे केसर के धागे कुछ। तो इस तरह से आप जब दूध बॉयल करो ना उसी समय आप केसर के धागे डाल करके, और दूध जब बॉयल करोगे ना तब इसे अच्छा से कलर आ जाता है। अभी भी आ जाएगा ये, क्योंकि हमने इसे गर्म में ही डाला है, और ये ढक दूंगी अब मैं इसे अच्छे से। तो हमारी खीर अब बन करके रेडी हो गई है फ्रेंड्स, देख सकते हैं बिल्कुल भी एकदम चावल कहीं भी दिख नहीं रही है, इतनी अच्छी से गल चुकी है हमारी खीर। तो अब खीर को हम क्या करेंगे ना, किसी तरह से चलाते हुए गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे, और हम ढक देंगे यहाँ पे खीर को।
तो हमारी खीर बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम आगे का बना लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे सब्जी। तो भंडारे वाली जो सब्जी बनती है ना चना की और आलू की, तो हमारे यहाँ आलू और चने की सब्जी माता जी को खिलाया जाता है आज, माता को भोग लगता है, तो उसकी रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पे काले चने को भिगो करके रात में रख दिया था, और यहाँ पे हमने ले लिया है आलू। तो सबसे पहले हम आलू को बॉयल कर लिए हैं, और बॉयल करके हम इसे छील लिए हैं। तो अब इसे हम क्या करेंगे ना कि टुकड़ों में ऐसे तोड़ लेंगे। आप चाहें तो चाकू से भी इसे कट कर सकते हैं, पर इस तरह से अगर आप तोड़ लोगे ना तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैं तो ज़्यादातर हाथ से ही तोड़ करके मतलब इस उबले हुए आलू की सब्जी बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है ये बिना लहसुन प्याज का। ये ना माता का भोग जो होता है कि आलू और काले चने की सब्जी जो बनती है ना, उसकी रेसिपी हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले रख देंगे कढ़ाई। तो यहाँ पे हमने रख दिया है कढ़ाई। जब हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी ना, तब इसमें हम डालेंगे तेल। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे तेल। जब तो हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल डाला हुआ है, और तेल को अच्छे से हम गरम करेंगे पहले। तो हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है, तब इसमें हम डाल देंगे जीरा। तो देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डालेंगे, और जीरे को अच्छे से मतलब कि पहले तेल में चटक लेने देंगे। अब साथ में हम डालेंगे हरी मिर्च। तो हमने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च लिया है, आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े मिर्च को कट किया है, क्योंकि हमें कन्याओं को खिलाना है ना, तो अगर तीखी हो जाएगी तो क्या होता है ना कि सब्जी नहीं खाते हैं लोग बच्चे। तो थोड़ी बड़ी बड़ी हमने मिर्च रखा है कि अगर लगेगा तीखा तो मैं निकाल दूंगी मिर्च को। तो अब यहाँ पे हम ना डाल देंगे आलू। तो आलू को भी डाल करके हम अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आलू को डाल करके तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे। ये बहुत ही फटाफट से बनती है फ्रेंड्स, और भंडारे में ना ये वाली सब्जी बहुत ही चलती है। जब भी आप मतलब कि कन्या किसी के घर भी देखते होंगे, आप सभी लोग बनाते होंगे, पर सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है फ्रेंड्स। तो मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके बताना। साथ में हम डाल देंगे चना, और चने को भी डाल करके हम अच्छे से आलू और चने को पहले भूनेंगे। तो हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारी सब्जी अच्छी सी बने। तो यहाँ पे हम आलू और चने को तो यहाँ पे हम भून लेंगे अच्छे से। देख सकते हैं कि हमने आलू को भी मतलब कि जो थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, उसको हम इस पलटे से ही मतलब कि कट कर लूँगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं ना, तो अच्छे से सब्जी में मतलब मिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे हम आलू और चने को अच्छे से देख सकते हैं कि भून चुका है अब मेरा। तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो हमने यहाँ पे 2 टमाटर कट करके रखा है, तो एकदम बिल्कुल पका हुआ टमाटर है हमारा। तो इस तरह से आप प्यूरी डालोगे ना तो ये बिल्कुल भंडारे जैसे स्वाद नहीं आएगी। तो इस तरह से आप टमाटर का प्यूरी बना के नहीं, टमाटर को कट करके ही इस तरह से डालना है। ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे ना कि टमाटर को भी डाल के हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। फिर साथ में डालेंगे नमक। तो हमने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ले लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो हमने 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लिया है। साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और साथ में ही हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि हमने यहाँ पे सब्जी मिक्स मसाला ले लिया है, और साथ में ही हम डालेंगे थोड़ी सी गरम मसाला। तो 1 चम्मच हम यहाँ पे गरम मसाला भी लेंगे, और अच्छे से हम चला लेंगे यहाँ पे। और चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो हमने यहाँ पे चलाने के बाद ना पानी डाल दिया है, और पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से पका लेंगे। तो अच्छे से हम पका लेंगे यहाँ पे चलाते हुए इसे। तो हम यहाँ पे ना मीडियम फ्लेम करेंगे, और मीडियम फ्लेम करके हम टमाटर को अच्छे से एकदम सॉफ्ट होने तक मतलब गल जाने तक पकाएंगे। और पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, मतलब कि थोड़ा सा ये क्या होता है ना कि लिक्विड मतलब पतला ही बनता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहता है। तो हमने यहाँ पे पानी डाल करके सब्जी को अच्छे से चलाते हुए पकाना है। साथ में मुझे पूड़ी भी तलना है। तो यहाँ पे हमने रख दिया है कढ़ाई, और जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक हम इधर सब्जी भी देख ले रहे हैं। तो सब्जी हमारी अब बन करके बिल्कुल भी रेडी हो गई है, और इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ता।
और धनिया पत्ता डालने के बाद हम एक बार गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि हमारी सब्जी थोड़ी सी पतली थी तो गाढ़ी हो जाए। तो देख सकते हैं कि अब हमने धनिया पत्ता डाल करके सब्जी को अच्छे से पका करके बंद कर लिया है। साथ में हम यहाँ पे पूड़ी भी बना लिए हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम साथ में पूड़ी भी तल रहे थे और हमारी सब्जी भी बन रही थी। तो इस तरह से हम माता का भोग आज पूड़ी, खीर और भंडारे वाली सब्जी से लगाएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो हमारी कैसे लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, बताइएगा और वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसे लगती है आप लोग की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर और वीडियो को फुल वॉच करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसे लगती है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।